दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि विश्व में पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई के दौरान अनेकों बार हिंदू मंदिरों देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त होती रही हैं। यह सिलसिला लगभग सारे विश्व में खुदाई के दौरान देखने को मिला है, चाहे अमेरिका हो या तुर्की हो या इंडोनेशिया या मिस्र या अफगानिस्तान आदि। इन सभी जगहों पर हिंदू देवता भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग ज्यादातर प्राप्त हुआ है। इनके साथ कई जगह और भी हिंदू देवी देवताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कई जगह पुरातत्वविदों के द्वारा जैसे तुर्की में 12,000 साल पुराना तो इराक में 6,000 साल पुराना माना है। इन बातों से यह बात साफ होती है कि हिंदू धर्म पृथ्वी पर मौजूद सभी धर्मों से सबसे ज्यादा पुराना है। वेद शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म तब से ही शुरू है जब पृथ्वी का उद्गम हुआ। दोस्तों इराक के सुलेमानिया इलाके में मौजूद बैनुला बाईपास के पास खुदाई के दौरान भगवान श्री राम और भक्त हनुमान की प्रतिमाएं प्राप्त हुई। इराक पुरातत्वविदों के अनुसार 6,000 साल पुराना माना है। भारतीयों के लिए यह अच्छी बात है कि भारत के मित्र राष्ट्र इराक ने इस विषय के महत्व को समझते हुए इसकी जानकारी इराक सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिख कर दी और इसके लिए उन्होंने भारतीय पुरातत्वविदों और संस्कृति विभाग को यहां आकर उन पर शोध करने की जरूरत बताई। हमारे भारतीय शोधकर्ताओं का दल वहां पहुंच गया और भगवान राम से जुड़े और तथ्यों की तलाश में जुटा हुआ है। इराक में प्रतिमाओं के मिलने से यह खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति प्राचीन काल में सारी दुनिया में फैली हुई थी। वहीं कुछ लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनके गाल पर यह एक तमाचा है। इस बात से यह बात सही होती लगती है कि प्राचीन भारत के दायरे में विश्व का एक बड़ा हिस्सा आता था और इराक ही नहीं अपूर्ति भविष्य में अन्य देशों में भी भगवान श्री राम के अस्तित्व के प्रमाण मिलेंगे। सदियों से सनातन संस्कृति पर वार होता आया पर अभी तक हमारी संस्कृति नहीं मिट पाई। इसका श्रेय जाता है उन हिंदू साधु संतों को जिन्होंने जनता को हिंदू संस्कृति की महत्ता बताई और उसे हमेशा जीवित रखा। दुनिया में सनातन धर्म सबसे पुराना है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।